आज मैं आपके विशेष मकसद से मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो महसूस करता हूँ एक नागरिक भी, और सर आप भी करते होंगे, कि देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ये अप्रोच डेमोक्रेसी के अंदर किसी पार्टी गवर्नमेंट हो उचित नहीं कह जा सकती है। जिस प्रकार जूडीसी पे दबाव, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का दुरुपयोग, इवन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तब भी आप विपक्ष की पार्टियों पर रेट डलवा रहे हो बिना कोई रेखी के, बिना तैयारी के। इसका मतलब आप फायदा पहुंचवा रहे हो उन लोगों को जो चाहते हैं, सतम बैठे हुए हैं। मैंने टाइम मांगा था डायरेक्टर ईडी से, डायरेक्टर सीबीआई से और चेयरमैन सीबीडीटी से। जब राहुल गांधी जी को यहाँ पर 50 घंटे पूछताछ करी गई, पहले दिन ही टाइम मांगा मैंने। सिर्फ जब शुरुआत हुई थी तो मैं क्या उचित नहीं है मैं जाके मिलूं उनसे, और पूरे देश को गर्व है सीबीआई पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर और ईडी पर भी, जो अपना कानून का काम करी, प्रीमियर एजेंसियाँ देश की है। ये जुडिशी का इम्पोर्टेंस है, जुडिशी के मामलों में उसी प्रकार से फाइनेंशियल मामलों के अंदर, इरेगुलरिटीज के अंदर, क्राइम के अंदर, तीनों एजेंसियों की इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस खत्म होगी, क्रेडिबिलिटी कम होगी, तो नुकसान किसको है, देश को है। क्यों बनी एजेंसियाँ? एजेंसी जिस मकसद से बनी है वो मकसद पूरा होगा तब देश का हित होगा। अगर क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी एजेंसियों की, जो आज सीबीआई के हो चुकी है, पहले हर सीबीआई के नाम लेता था, कोई घटना दुर्घटना होती थी राज्यों में तो कहते सीबीआई को इंक्वायरी करवा दी, दे दीजिए। और था सीबीआई का था, अब शिफ्ट हो गया ईडी पर हो गया। ईडी का काम है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के ऊपर कार्रवाई करना। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वहाँ जल्दी फैसला होना चाहिए। जो अधिकार दे दिए गए सीबीआई को अरेस्ट करने के, अटैच करने के, कुर्की करने के, उसके ऊपर बहस चल रही है जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, वो फैसला जल्दी होना चाहिए। उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लोग हैरेस हो रहे हैं देश के अंदर। जो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े होते थे, और जहाँ बैंकों के अंदर और सब जगह अगर प्रूव हो जाती थी रेगुलरिटीज, तो ईडी घुसती थी वहाँ पर। अब पॉलिटिशियन में घुसने लग गई है सब जगह, महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, राज्यों में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं ईडी पहले पहुँचती है। ये जो मैंने उस वक्त टाइम मांगा था तीनों से, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे आकर के। मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री भी हूँ, 5.5 करोड़ की जनता से ज़्यादा वहाँ पर है, 5.5 करोड़ तो 7 करोड़ के लगभग आबादी है, उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं आगे बताना चाहता हूँ कि आप एजेंसी की क्रेडिबिलिटी नीचे जा रही है, जो नहीं जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे, बल्कि आगे और बढ़े। हम आपके साथ हैं। जहाँ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो रही है, करप्शन हो रहा है, क्राइम हो रहा है, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, तत्काल करो, जेल भेजो, अटैच करो प्रॉपर्टी, हम स्वागत करेंगे आपका। पर जिस प्रकार से आप इशारों पर, ऊपर के दबाव पर, ये साफ जाहिर पूरा देश देख रहा है, तो गाँव तक तो भी चर्चा होने लगी, गाँव के अंदर भी, कि ये क्या हो रहा है, गाँव में चर्चा होने लग गई है। अब तो कई जगह ईडी वाले खुद ही जाके कहते हैं हम आधे घंटे बाद आने वाले हैं, आप थोड़ा देख लीजिए अपने आप को। ये स्थिति बन गई है जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है,
जो बातें चलती रहती है, तो ये उचित नहीं है। मैं इस मौके इस मंच से फिर मैं कहना चाहूँगा तीनों एजेंसियों के डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को, कृपा करके ये तीनों एजेंसियों के अधिकारी कंपटीशन एग्जाम देके आते हैं, चाहे RPSC के हो चाहे वो UPSC के हों, एग्जाम देके पास होकर आते हैं, एक प्रकार शपथ लेते हैं, कमिटमेंट होता है देश के लिए। इनका कमिटमेंट देश के प्रति होना चाहिए और किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। इनमें इतना साहस होना चाहिए मना करने का, हम दबाव में काम नहीं करेंगे, अब निष्पक्ष काम करेंगे हम लोग। अब जो स्थिति बन गई देश में वो उसी प्रकार बन गई है जैसे आप देखा होगा, और मैंने आंकड़े देखे हैं कि 10 साल का शासन था UPA का, आंकड़े वैसे आपके पास होंगे, कोई नए आंकड़े नहीं हैं, 112 बार सिर्फ छापे डाले गए थे, आप तो बहुत सीनियर लोग बैठे हैं। और अब जो है 9 साल लगभग हो गए, 3010 छापे डाले गए हैं, कहाँ तो 10 साल में 112 का 9 साल के अंदर 3010 छापे। 4 चीज पेश हुई है, उसमें 93% हुई थी, इसका मतलब जेन्युइन छापे डाले गए थे 93%। अब है सिर्फ 888 जगह 4 चीज पेश हुई है, मतलब सिर्फ 29% हुई है। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा जो आपको अंतर महसूस हो रहा है वो चिंताजनक है। इसका मतलब है कि 3000 छापे डाले गए, उनमें क्या बीती होगी जिनको आप 800 के लगभग आप वहाँ पे चार्जशीट पेश कर पाए हो। जब छापे डाल दिए आपने, 9 साल हो गए, चार्जशीट पेश क्यों नहीं कर रहे आप? तो ये मैं इस रूम के अंदर आप सबको हाजिर नाजिर रख के ये कहना चाहूँगा एजेंसियों को, पूरे देश की भावना है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अखबार पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, TV देखता हूँ, और आजकल तो प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन आते हैं आप लोगों के, अच्छे से अच्छे राइटर्स बैठते हैं, लेखक साहित्यकार बैठते हैं, जिलों बंद है, देश देख रहा है, बेबस है देश। आप मेरी भावना की कदर करना, मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कदर करोगे। देश बेबस है, मणिपुर में जो हो रहा है पूरा मुल्क का एक हिस्सा है, वो अभिन्न अंग है, हम कहते थे वो अभिन्न अंग है, तो उसकी तरफ कोई ध्यान दे रहा है क्या? पूरा देश बेबस है और प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है एक दिन जाने के लिए। इतनी बड़ी घटना हो जाए वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप सबको मालूम है CM ने क्या कहा, मीडिया ने क्या क्वेश्चन पूछा, सब मालूम है आपको। तो क्या हो रहा है, कश्मीर में भूकंप आ गया था एक बार, और वहाँ पे हम लोगों ने एक NGO के माध्यम से, मैं मेरे मोमेंटो ऑप्शन करता हूँ, सुनामी के अंदर या गुजरात भूकंप के अंदर या कारगिल युद्ध के अंदर, तो जो मोमेंटो मिलते CM को हम ऑप्शन करके पैसा भेज देते हैं। जब मैंने कश्मीर भूकंप के अंदर इकट्ठा करना शुरू किया तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मैंने उसमें लिखा था कि पूरा देश कहता है हिंदुस्तान कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। अब जब गुजरात भूकंप आया था तब तो लाखों हाथ खड़े थे मदद के लिए, वो हाथ नज़र नहीं आते हमें। मणिपुर दूर है ज़रा, वहाँ की चिल्लाहट, वहाँ की भावना वो यहाँ तक पहुँचती नहीं है, मीडिया तक भी नहीं पहुँचती है, मीडिया ने गायब कर रखा है। तो आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी बार बार मोदी जी का, अडानी जी का नाम क्यों लेते हैं, मणिपुर का नाम क्यों लेते हैं? क्या एक विपक्ष के नेता का अधिकार नहीं है क्या कि वो अपनी बात कहे तो उसको रिस्पॉन्स करे? मुझे आप बता दीजिए, मेरे तो
बहुत लंबा अरसा हो गया राजनीति में, कोई भी घटना दुर्घटना हो, विपक्ष बोलेगा उसका धर्म बोलना चाहिए, उसी डेमोक्रेसी मजबूत होती है। पर क्या सत्ता पक्ष का धर्म नहीं है क्या, सत्ता पक्ष का उसको रेस्पॉन्ड करे, कुछ भी करो रेस्पॉन्ड। राजीव गांधी जी के वक्त में एक बार मीडिया को लेके एक फैसला हो गया था, आपने आवाज़ उठाई, राजीव गांधी वापस वो ले लिया, ये डेमोक्रेसी है। अब तो ना वो मिलते हैं प्रधानमंत्री जी आपसे, ना आप इश्यू बना पाते हो, आप लोगों के कसूर नहीं है क्योंकि मीडिया के मालिक जो है उनको भी इनकम टैक्स ईडी और सीबीआई का डर रहता है। मुझे कहते हैं संकोच नहीं, मैं तो बार बार कहता हूँ, चाहे वो नाराज भी होते होंगे मालिक लोग, पर मैं कहते चूकता नहीं हूँ। कोविड आ गया तो आप देख रहे हो तनख्वाह आपकी आधी कर दी, मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ, दिल की पीड़ा बता रहा हूँ आपको, खाली पीड़ा बता रहा हूँ। निकाल दिया गया लोगों को, निकाल दिया गया, आप लोग भी ट्रांसफर पोस्टिंग डरते हो पॉलिटिशियन की तरह, हमारे सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, आपके भी राज्यों में जो काम करने वाले लोग हैं ट्रांसफर पोस्टिंग डरते होंगे, तो आप लोगों की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। क्यों मैं भटक गया बात करते करते, मैं जो कह रहा था कि मैंने कहा भाई मैं मिलने आना चाहता हूँ आपसे, मैंने शुरुआत से करी थी और वो शुरुआत मेरी वहीं रह गई। इमीडिएटली अपॉइंटमेंट आ गई मेरे पास में, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं जाके अपनी बात कहूँगा, और मैंने मीडिया को भी कह दिया भाई मैं जा रहा हूँ, सीबीआई डायरेक्टर मैंने इनकम टैक्स डायरेक्टर सीबीआई चेयरमैन थे और सीबीआई डायरेक्टर मैंने के लिए, जैसे मैंने मीडिया को कहा फटाफट फोन आगे, नहीं नहीं अभी आप आना ही होते हैं, खुद मिलेंगे आप आकर के, अभी तो मैं उनके इंतजार कर रहा हूँ, वो अभी तक तो आया नहीं है, कब आएंगे मुझे पता नहीं, आएंगे मैं चाय पिलाऊँगा, उनसे गपशप करूँगा, बताऊँगा कि मैं क्या फील करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आज मैंने सिर्फ आपको इतने, अब हमारे रास्ता में संजीवनी है, एक एग्जाम दे रहा हूँ आपको, संजीवनी नाम का एक घोटाला बहुत बड़ा रास्ता होगा, दो जेल में बैठे हुए हैं, गजेंद्र शेखावत का जो नाम है केंद्रीय मंत्री वो उसमें शामिल है, आरोपी है, उन्होंने मेरे खिलाफ डिफेंस केस कर रखा है दिल्ली, वो अलग बात है। पर मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी एसओजी ने एफआईयू जो होता है फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंदर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज यूनिट, उनको 50 बार टेलीफोन किए, लिख के भेजा भाई आप हमारी इमदाद करो, क्योंकि फाइनेंशियल का ट्रांजेक्शन विदेश के अंदर भी है इसका, कोई कार्रवाई नहीं करी, एक बार जवाब दिया रुक गए। उसके बाद में ईडी जो है, ये ईडी का केस परफेक्ट बनता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, वहाँ ईडी नहीं घुस रही है, वहाँ नहीं घुस रही ईडी घुस रही। तो ये जो स्थिति बन रही है देश के अंदर, मैं समझता हूँ मोदी जी तो एक एग्जाम्पल है क्लासिकल देश के अंदर, जब बोलते हैं वो तो देश सुनता है उनको, प्रधानमंत्री देश के हैं, अच्छा बोलते हैं, बोलने की कला जानते हैं। तो मैंने सुना भोपाल के अंदर जाकर मध्य में बोले थे वो एनसीपी को लेकर के, अजीत पवार को लेकर के बोले थे, 70,000 करोड़ के कर दे, पता नहीं करप्शन के चार्ज लगा दिए उनके ऊपर। दो दिन बाद ही एनसीपी के एक धड़ा मिल जाता है सरकार के अंदर। और क्लासिकल एग्जाम्पल मैंने इसलिए कहा आपको, अजीत पवार के नाम के जो नेता हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज वहाँ पर थे, उनको वो पोर्टफोलियो देता रहता है, पोर्टफोलियो उनका नाम होता है फाइनेंस पोर्टफोलियो। तो आप सोच सकते हैं फाइनेंस पोर्टफोलियो देने के क्या मायने उनको, क्योंकि आप आरोप लगाए थे। इसके इतने इतने एग्जाम्पल आपके बारे में मेरे से ज़्यादा होंगे कि आरोप लगते हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए बीजेपी को तो आप वॉशिंग मशीन से बिल्कुल बिल्कुल जुल जाते हैं आप लोग, ये पूरे देश के अंदर हो रहा है। तो ये जो मैं समझता हूँ कि
जनता विश्वास एजेंसी बना रहे, ये मेरी चिंता ये है, इसलिए मैं सब आदि क्यों बोल रहा हूँ। आम जनता का विश्वास इन एजेंसी बना रहना चाहिए, आम जनता का विश्वास जुडिशी बना रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा देश के अंदर, ये मेरा मानना है। और मैंने कह दिया आपको कि जो मुर्डर कोड ऑफ करने लगा है उसके बाद में भी आप छापेमारी करवा रहे हो तो आप उनको पक्ष कर रहे हो। इलेक्शन कमीशन इंडिया को आगे आना चाहिए, जब वो कलेक्टर एसपी को बदल सकता है, उनको डाउट भी होता है भाई ये एसपी कलेक्टर जो है एंगुलेटरी वाले हैं या इन्होंने काम ढंग से नहीं किया है, तो आप छापे रख पाइए। अभी ये कोई हत्या तो किसी ने की नहीं, वो भग जाएगा हत्यारा, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है आ रही, कल पकड़ लेना उनको वापस जा करके, बहुत ज़्यादा तकीका कर लीजिए। ये बात थी, बाकी तो आपको मैं समझ सकता हूँ कि सोनिया गांधी जी को, राहुल जी को, खड़गे साहब को, मतलब इतनी गिरावट आ गई देश के अंदर पक्ष विपक्ष के संबंध जो थे कोई जमाने के अंदर, जब इंदिरा जी या राजीव गांधी थे और वाजपेयी जी थे, और आज आदमी का फर्क आ गया। कहाँ तो कितनी कटुता होती थी हाउस के अंदर, उसके बाहर भी तभी संबंध होते थे डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट के अंदर, अब वो सब संबंध खत्म हो गए, दुश्मन है हम आपस के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नंबर दो अमित शाह जी, वो विपक्ष को दुश्मन समझते हैं, उस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, वक्त आने पर सबक सिखाएगा, ये समझ नहीं पाएंगे, मेरा मानना है। वक्त आने पर, क्योंकि जनता का रोबस्ट कॉमन सेंस देश के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अनपढ़ होंगे, कम पढ़े लिखे होंगे, अकल होशियारी के अंदर हमारे देश की जनता बहुत आगे, बहुत आगे। धन्यवाद।